2000 के कितने नोट, बैंकिंग सिस्टम में हुए वापस, आरबीआई गवर्नर ने दी पूरी जानकारी। 19 मई को भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 के नोटों को बंद करने का ऐलान किया था। हालांकि इस फैसले को लेते हुए आरबीआई ने बयान दिया था कि ये नोट वैध रहेंगे 30 सितंबर तक। इस नोट को बैंक में जाकर बदला जा सकता है, जिसके बाद अब आरबीआई गवर्नर शशिकांत दास ने बताया है कि अब तक 1.80 लाख करोड़ रुपए वैल्यू के 2000 के नोट सिस्टम बैंकिंग सिस्टम में वापस आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि 31 मई 2023 तक जितने 2000 के नोट सर्कुलेशन में थे उसका ये 50% है, यानी 50% नोट वापस आ चुके हैं। दिस ईयर टोटली 3,62,000 करोड़ नोट्स, 2,000 रुपी नोट्स वेर इन सर्कुलेशन आफ्टर द अनाउंसमेंट दैट वी मेड। Totally so far, about 1,80,000 crores, 1.8 lakh crores of 2,000 rupee notes have come back. And this is roughly about 50% of the 2,000 notes which were in circulation on 31st March. So 50%, with reference to that number, 50% has come back after our announcement. And so far as the, you know, there has been question about how much of exchange, how much of deposits, that figure needs a lot of reconciliation, because we, you know, we find that there is some amount of overlap in reporting, so we want to avoid any possibility of double counting, so we are reconciling the figures. But broadly on a provisional basis, I can say that about 85% of the 2000 rupee notes are coming back as deposits into। गौर हो कि अपना फैसला लेते हुए उस वक्त आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि जिस किसी के पास 2000 रुपए का नोट है वो उसे अपने बैंक खाते में जमा कर सकता है या किसी अन्य मूल्य की मुद्रा से बदल सकता है। बैंकों को 2000 का नोट बदलने के लिए जरूरी व्यवस्था करने की सलाह भी दी थी। तब उन्होंने कहा था कि हमें उम्मीद है कि 30 सितंबर की समय सीमा तक 2000 के ज्यादातर नोट वापस हो जाएंगे। दास ने कहा था कि प्रणाली में पहले ही पर्याप्त नकदी है, सिर्फ रिजर्व बैंक ही नहीं बैंकों के संचालन वाली करेंसी चेस्ट में भी पर्याप्त नकदी है, चिंता की कोई बात नहीं है। हालांकि फिलहाल जब आरबीआई गवर्नर से सवाल पूछा गया कि क्या 1000 रुपए के नोट फिर से वापस लॉन्च किया जा सकता है या 500 के नोट को वापस लिया जा सकता है, इस पर आरबीआई गवर्नर ने अपने जवाब में कहा कि मेरे पास इसकी कोई जानकारी नहीं है। ऐसा कहा कि ऐसा कोई विचार नहीं है। उन्होंने इस बारे में आम लोगों से इस बारे में अटकल न लगाने की भी अपील की है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, बाकी अन्य अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।